इस समय जो है छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम में RI राजस्व निरीक्षक रेवेन्यू इंस्पेक्टर RI भर्ती परीक्षा को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बिगेस्ट अपडेट जो है ब्रेकिंग न्यूज़ आम सभी स्टूडेंट के लिए अपडेट्स निकल कर आ रहा है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ व्यापम में जो है RI के कुल टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 198 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती, सबसे बड़ी वैकेंसी, सबसे बड़ी अपडेट जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ में RI बनना चाहते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की स्टडी करना चाहते हैं, प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वैकेंसीज अपडेट जो है इस समय निकल कर आ रहे हैं। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ, आपको अच्छे से मेहनत करना, आपको अच्छे से तैयारी करना है। जितना ज़्यादा आपका तैयारी होगा, जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, जितना ज़्यादा आपका एफर्ट होगा, उतना ही ज़्यादा आपका सिलेक्शंस जो है देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम्स में मार्क्स आएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं, तो जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू करते हैं, हमें शुरुआत में जो है निराशा हासिल होता है, हमें कामयाबी नहीं मिल पाता। और उसके बाद एक समय के बाद हमें यह रियलाइज़ होने लगता है कि यार, हम कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए बने ही नहीं हैं। इतने ज़्यादा लोग कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और एक समय के बाद हम पूरी तरह से टूट जाते हैं और हमें फिर लगने लगता है कि यार, हमें छोड़ देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब भी आप गिव अप करने की सोचते हैं, जब भी आपके मन में अगर ख्याल आए गिव अप करने की, आप ये सोचना कि मुझे कामयाबी मिलने वाली है। क्योंकि जब भी आप लोग गिव अप करने की सोचते हैं ना, आपको बस कुछ ही पल में या कुछ ही दिनों में जो है कामयाबी बस मिलने वाला रहता है, क्योंकि आपने इतने ज़्यादा मेहनत कर लिया होता है, उसके बाद ही तो आप गिव अप करने की सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मेहनत किया और कल गिव अप कर दिया, आपने अपना 100% देने के बाद गिव अप करते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, एक बार आपने अपना 100% दिया, दूसरी बार 200%, 200% दो, और ज़िंदगी में मौके अपॉर्चुनिटीज़ जो बार बार तो नहीं मिलेंगे, ना एक ही बार मिलेंगे। तो इसलिए जितने बार भी कई बार असफल हो, आपको चाहे 10 बार असफल होना पड़े या 5 बार, 10 बार, हज़ारों बार कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम में फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन वापस से आपको जो है बाउंस बैक करना है, वापस से फिर से खड़े होना है, फिर से आपको एफर्ट करना है, फिर से मेहनत करना है, फिर से हार्डवर्क करना है। और जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, उतने ही आगे आपको कामयाबी, उतने ही ज़्यादा सफलताएँ, उतने ही ज़्यादा फेम आपको जो है मिल पाएगा। और सभी चीज़ें हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, सभी चीज़ें हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप बिल्कुल भी मत सोचो कि यार ये चीज़ नामुमकिन है या ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये चीज़ बहुत मुश्किल लग रहा है। असल में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बस आपको मेहनत करना, आपको तैयारी करना है। आप तैयारी करने से ही आप पीछे हटते हैं, इसी वजह से सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता। तैयारी करने से पीछे मत हटिए, जितना हो सके मेहनत कीजिए। और छत्तीसगढ़ में RI के 198 पोस्ट पर भर्ती होगा और 198 पोस्ट जो है कम नहीं है। RI की अगर हम पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपका जो है सबसे पहले तो ग्रेजुएशंस कंप्लीट होना चाहिए। यदि ग्रेजुएशंस कंप्लीट हो चुका है तो RI भर्ती परीक्षा के लिए आसानी से जो है आप एलिजिबल हैं, आसानी से जो है एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई आपका जो है हो पाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ग्रेजुएशन एज लिमिट 21 वर्ष, मैक्सिमम 35 वर्ष है। कैटेगरी वाइज भी आपको छूट मिलेगा, SC ST को 5 वर्ष का, OBC को 3 वर्ष का। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 40 वर्ष के आप आवेदन कर पाएंगे, वही यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 38 वर्ष के आप आवेदन जो है कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अनेकों गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, अनेकों भर्ती परीक्षाएँ जो है निकल कर आ रही हैं। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करना है, और जितना ज़्यादा आपका हार्डवर्क होगा, जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, उतने ही ज़्यादा आपको आगे कामयाबी जो है मिल पाएगा। इसलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं, एक ही बार तो नहीं होता कि आपको डायरेक्ट सक्सेस मिल जाए। धीरे धीरे जब आप कोशिश करेंगे, उस काम में लगे रहेंगे, मेहनत करते जाएंगे, तब जाकर एफर्ट लगाते जाएंगे, तब जाकर सफलताएँ जो है मिलता है। तो आज भले ही आपको कामयाबी ना मिले, आज भले ही आपको सफलता ना मिले, लेकिन आने वाले समय में आपको कामयाबी, आने वाले समय में आपको सफलताएं, आने वाले समय में आपको शोहरत अवश्य रूप से मिल पाएगा। और जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आपको कामयाबी जो है मिल पाएगा। बस मेहनत करना, मेहनत करना बिल्कुल भी मत छोड़ना। और जितना ज़्यादा आपका हार्डवर्क होगा, जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, उतने ही ज़्यादा सक्सेस आपको जो है मिल पाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि
बार बार मौके तो नहीं मिलेंगे। एक बार अगर आपने अच्छे से मेहनत कर लिया, एक बार अगर अच्छे से हार्डवर्क कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ हमें अपनी किस्मत बदलने के लिए, ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक ही मौके की तलाश होती है, सिर्फ एक ही बार हमें सक्सेस होना है। एक बार अगर गवर्नमेंट जॉब मिल गए, एक बार अगर हमें सरकारी नौकरी मिल गई, उसके बाद हमारे लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी परेशानी हैं, वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और हमारा लाइफ बहुत अच्छे से चलेगा। बस हमें मेहनत करना है और अपने आप पर भरोसा रखना है। और यदि आपको अपने आप पर भरोसा होगा, खुद के ऊपर भरोसा होगा, आज नहीं तो कल आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। भले ही आज आप कामयाब नहीं हैं, भले ही आज आपको सफलता न मिला, लेकिन आने वाला समय आपका ही होगा। आने वाले समय में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगा। बस उस कामयाबी के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना है। उस कामयाबी को पाने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। एक दिन आएगा, वो पल, वो समय आएगा जब आपको कामयाबी अवश्य रूप से मिलेगा। बस इंतज़ार। अब हम इंतज़ार करने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? जितना ज़्यादा आप में सब्र होगा, जितना ज़्यादा आप एफर्ट लगाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। आराम बिल्कुल मत करो। आराम करने से क्या होगा? काम करने से होगा। जितना आपका काम होगा, जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, उतने ही ज़्यादा आपको ज़िंदगी में कामयाबी भी मिलेगा। सिर्फ कामयाबी के सपने से कामयाबी नहीं मिलता। और अपने आप पर भरोसा रखो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको, आपके ऊपर अगर किसी को भरोसा हो या ना हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, परिवार हो, दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी हो, लेकिन आपको यदि स्वयं के ऊपर भरोसा है कि मैं इस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, और आज नहीं तो कल मेरी किस्मत ज़रूर बदलेगा, और यकीन मानिए ज़रूर बदलेगा, बस मेहनत करोगे ना तो आज नहीं तो कल तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन ज़रूर आएगा, क्योंकि प्रकृति का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। लेकिन परिवर्तन तो भाई ऐसे थोड़ी ना आ सकता है कि अगर आपने कुछ मेहनत ही नहीं किया और सोचेंगे कि एक एक मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, मेरी ज़िंदगी एक एक बदल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको उस बदलाव के लिए जो है मेहनत करना होगा, उस बदलाव के लिए जो है हार्डवर्क करना होगा, उस बदलाव के लिए तैयारी करना होगा। और जितना ज़्यादा आप तैयारी करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे, उतने ही ज़्यादा सफलता है, उतने ही ज़्यादा कामयाबी आप जो है हासिल कर पाओगे। इसलिए काम करना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है, और मेहनत किए बगैर परिणाम के बारे में मत सोचो। जितना हो सके उतना काम करो और अपना ख्याल रखो। आने वाला समय में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। सब्र का फल मीठा होता है। और बिलीव इन योर सेल्फ, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। 198 पोस्टर, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आप आवेदन कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बस अपना ख्याल रखना, और क्या पता आपकी ज़िंदगी कब बदल जाए, कब आपका सिलेक्शन हो जाए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।